हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीवी मल्टीटेक। आज मैंने बीओक्यू फाइल के बारे में एक वीडियो बनाया है। बीओक्यू फाइल यानी कि बिल ऑफ क्वांटिटी, ये एक एक्सेल फाइल पे बनाया गया है। ये एक विजुअल बेसिक एप्लीकेशन के द्वारा बनाया गया है जो आप खूब कम समय में डाटा इनपुट करके आउटपुट रिजल्ट निकल जाता है। मेनली एक एनक्रिप्टेड फाइल है। बीओक्यू में कुछ हिस्सा जो साइन विथ पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, जो आप कभी एडिट नहीं कर सकते, लेकिन जहां एडिट करना होगा उसके लिए आपको एक ऑप्शन दिया गया है कहां पर आप पुट कर सकते हैं। तो आप जब भी ई टेंडर के लिए बीओक्यू फाइल को ओपन करते हैं तो बार बार एक सिक्योरिटी एनाबल दिखाई दे रहा है, जो बोलते हैं मैक्रो एनाबल। मैक्रो ये एक क्रिप्टेड वर्ड है जो आप बार हर बार आपको वार्निंग देता है कि आप इस एप्लीकेशन पे कुछ मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, कुछ एडिट नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये उस पे एक सिक्योरिटी एनाबल है जो बोलते हैं मैक्रो। इसको हम कैसे हटाएंगे आज मैं इस वीडियो पे दिखाऊंगा। आप जब भी बीओक्यू फाइल को ओपन करोगे वो बार बार आपको वार्निंग नहीं दिखाई, वो वार्निंग को कैसे हटाना है, फिर कैसे वार्निंग को देना है, आज मैं इस वीडियो पे बताऊं। तो चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने टेंडर ओडिशा का पोर्टल ओपन करके रखा है, जो ई टेंडर होता है। मैंने किसी भी एक टेंडर का चूज कर लेता हूं। उसके बाद आप सीधा नीचे आ जाइए। नीचे आने के बाद ये देखिए बीओक्यू फाइल है, ये इस टेंडर का एक बीओक्यू फाइल है। इसको मैंने डाउनलोड कर लेता हूँ। ये देखिए मेरा डेस्कटॉप पे डाउनलोड हो गया। इसको हम ओपन करेंगे अभी। ये देखिए ओपन करने के बाद आपको हर बार एक सिक्योरिटी वार्निंग दिखाई दे रहा है जो डिजेबल पे है। आज इसको कैसे हटाना है, बार बार आपको डिजेबल का ऑप्शन एनाबल नहीं करना पड़ेगा, और ये बीओक्यू फाइल क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। पहले ये सिक्योरिटी डिजेबल को कैसे हटाना है आप देख लीजिए। बीओक्यू फाइल को ओपन करने के बाद आपको एक सिक्योरिटी वार्निंग दिखाई दे रहा है, उस पे साथ एक ऑप्शन का आ रहा है जो आप एनाबल करके उस फाइल को ओपन करते थे पहले, लेकिन आज आपको ये परमानेंटली कैसे रिमूव करना है उसके बारे में बताऊंगा। आपको बीओक्यू फाइल को ओपन करने के बाद आप ऑप्शन पे क्लिक करें। ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप सीधा ओपन द ट्रस्ट सेंटर पे क्लिक करें। ये देखिए एक वहाँ पे क्लिक करने के बाद एक मैसेज बार हाईलाइट होके ओपन हो रहा है। उसके ऊपर देखिए मैक्रो सेटिंग, उस पर क्लिक कीजिए। वहीं पे क्लिक करने के बाद ये डिजेबल ऑल मैक्रो विथ नोटिफिकेशन पे अभी सिलेक्ट है, आप सीधा एनाबल ऑल मैक्रो पे क्लिक टिक कर दीजिए। इसको सिलेक्ट कीजिए, देन ओके बटन पे क्लिक करें, कैंसिल। अभी मैं ये बीओक्यू फाइल को क्लोज कर लेता हूँ। मैं उसको दोबारा ओपन करूँगा। दोबारा ओपन करने के बाद ये देखिए वो जो डिजेबल दिखाई दे रहा था मैक्रो एनाबल का, वो हट गया। अब किसी भी जब भी फाइल आप एक बीओक्यू फाइल ओपन करोगे तो वो वार्निंग का ऑप्शन नहीं दिखाई देगा आप मैक्रो का। अगर आप फिर से चाहते हैं कि ये बीओक्यू फाइल जैसे कि था वो प्रीवियस स्टेप पे लेना है आपको, इसलिए आपको क्या करना होगा, सिंपली आपको वो जो ऑफिस बटन है उस पर क्लिक कीजिए। उस पर क्लिक करने के बाद एक्सेल ऑप्शन है एक, वही पे टिक कीजिए। उसके बाद आपको क्या करना होगा, ट्रस्ट सेंटर पे जाना होगा, देन ट्रस्ट सेंटर पे क्लिक कीजिए। उसके बाद ट्रस्ट सेंटर सेटिंग पे क्लिक करें, फिर से ऊपर से जाइए मैक्रो सेटिंग पे क्लिक करें। उसके बाद डिजेबल ऑल मैक्रो विथ नोटिफिकेशन, मतलब आप जब भी बीओक्यू को फाइल को फिर से ओपन करोगे वो आपको मैक्रो एनाबल का वार्निंग दिखाई देगा। अभी मैंने इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे प्रीवियस स्टेप पे था वो बीओक्यू फाइल, उसको सिलेक्ट करके ओके कर लेता हूँ। इसको भी ओके कर दीजिए, देन क्लोज कर लीजिए। ये देखिए मैंने अभी बीओक्यू फाइल ओपन करूँगा वो इसे वार्निंग फिर से देगा। ये देखिए सिक्योरिटी वार्निंग, इसको एनाबल करिए फिर से। तो फ्रेंड्स, ये तरीका था मैक्रो एनाबल को कैसे परमानेंटली हटाना है इस बीओक्यू फाइल पे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो में बहुत कुछ जानकारी मिला होगा। आप इस तरह नया नया टेक वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए।